आजम खान ने पीएम मोदी को क्यों दी धमकी, पीएम के खिलाफ आखिर कहां जाएंगे आजम खान, पीएम की शादी पर क्यों कसे तंज, बीजेपी और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आजम खान की अदावत पुरानी है। मौका मिलने पर आजम खान बीजेपी और मोदी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और एक बार फिर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। इस बार मुद्दा तीन तलाक का है, जिसे खत्म करने की अपील पीएम लगातार कर रहे हैं। अपने बयान में आजम खान ने कहा कि मोदी जी मुसलमानों को परेशान करना छोड़ें, वरना मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें कहां जाना है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए तो मोदी जी दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकेंगे और उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी की शादी पर भी तंज कसे। आजम ने कहा कि जो व्यक्ति सात फेरे लेने के बाद भी अपना पति धर्म ना निभा सका, वो दूसरों की पत्नी का क्या ख्याल रखेगा। मोदी जी पहले अपनी पत्नी को तो हक दे। उन्होंने तीन तलाक का विरोध करने वाली महिलाओं पर भी सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी का अजब तमाशा है, नकली मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनाकर तीन तलाक के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। हिंदुओं और मुस्लिम को लड़ाने वाले ये लोग मुस्लिमों को भी आपस में लड़ाना चाहते हैं। वही तीन तलाक पर जोर देते हुए आजम खान ने दो टूक कहा कि इस पर सिर्फ शरीयत का कानून ही माना जाएगा। जाहिर है आजम खान के इस बयान से आने वाले दिनों में राजनीतिक पारा गर्मा सकता है। इंडिया न्यूज़ बैरेट की रिपोर्ट।